हाउ टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन इंडिया, ब्रांड बनाकर सेल कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क कैसे बनाएं, सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करेंगे, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आते हैं जब आप एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस इंडिया में लॉन्च करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तिवारी, फाउंडर एंड सीईओ डिस्ट्रीब्यूटर्स चैनल, भारत का डिस्ट्रीब्यूटर। आज की डेट में एक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी बर्निंग प्रॉब्लम है कि जब वो प्रोडक्ट लॉन्च करने जाता है तो उसको ये समझ में नहीं आता कि वो प्रोडक्ट का ब्रांड कैसे बनाए, उसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे क्रिएट करे, उसकी सेल्स और मार्केटिंग कैसे करे। इन्हीं सभी कारणों की वजह से वो एक अच्छा बिजनेस नहीं बना पाता। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप इंडिया के अंदर कैसे एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, उसका अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड बनाकर सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ब्रांड रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कस्टमर को कैसे टारगेट करेंगे, राइट मार्केट को कैसे चूज करेंगे, ब्रांडिंग एंड प्रमोशन कैसे करेंगे और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस होता है और एक सर्विस बेस्ड बिजनेस होता है। इस वीडियो में मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की बात करने वाला हूं। सर्विस बेस्ड बिजनेस की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए अब डिटेल में समझते हैं कि आप इंडिया में एक प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड कैसे लॉन्च करेंगे और उसको किस तरीके से एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहला स्टेप है, आपको एक बिजनेस प्लान तैयार करना होगा, आपको एक रोड मैप तैयार करना होगा कि कौन कौन सी चेकलिस्ट है जो आपको फॉलो करनी है। आप एक नोट तैयार करिए और उसमें लिखिए कि आप ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, आपका मिशन क्या है, आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। एक बिजनेस प्लान बनाने के बाद अगला स्टेप आता है मार्केट रिसर्च करना। पता करिए कि उस इंडस्ट्री में कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। इसी के साथ साथ कंपटीशन एनालिसिस करिए कि आपके जो कंपटीटर है वो कौन से प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, आपके कंपटीटर की स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है। मार्केट रिसर्च करने के बाद आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन आसान हो जाएगा और आप अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाएंगे। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना बजट डिसाइड करना है। बजट डिसाइड करते समय आपको ध्यान रखना है कि कितना फंड आपके पास अवेलेबल है जो आप अपने इस बिजनेस में लगा सकते हैं। अगर आपके पास फंड की कमी है तो आप किसी लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए किसी भी बिजनेस को करने के लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। इसके बाद का स्टेप है आपके बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इसमें आप दो तरीके से कंपनी बना सकते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं या फिर आप प्रोप्राइटरशिप कंपनी बना सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप के लिए आपको सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना है और आपकी कंपनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सोचते हैं कि बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको अपना ब्रांड नेम डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज है कि जो कंपनी का नाम है वही ब्रांड का नाम होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी का नाम कुछ और हो सकता है लेकिन ब्रांड जो है वो आपके प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है वो एक कंपनी नेम है, वहीं पे अगर ब्रांड की बात करूं तो सर्फ एक्सेल इज अ ब्रांड। देखिए ब्रांड नेम रखते समय आपको बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका ब्रांड नेम है वो आपके प्रोडक्ट से मिलता जुलता हो, साथ ही साथ आपके कस्टमर को अपील करे। ब्रांड नेम रखते समय आपको कोई मुश्किल ब्रांड नेम नहीं रखना है। कई बार लोग ज्यादा इनोवेशन के चक्कर में बहुत ही ज्यादा ट्रिकी ब्रांड नेम रख लेते हैं जो आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। आपको एक ऐसा ब्रांड नेम चूज करना है जो इजी टू रिकॉल। ब्रांड नेम डिसाइड करने के बाद आपको उसका एक लोगो डिजाइन करवाना है। लोगो थोड़ा सिंपल होना चाहिए, ज्यादा इनोवेशन करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगो बनवा लेंगे तो आपको उस लोगो का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाने के तुरंत बाद आपको अपना डोमेन भी रजिस्टर कर लेना चाहिए, क्योंकि डोमेन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके बिजनेस। इन सभी स्टेप्स में हम आपकी मदद करते हैं। आप कहीं पे भी कंफ्यूज होते हैं आप हमारे बोल्डलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाना है। बहुत सारे बिजनेसमैन क्या गलती करते हैं कि पहले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं फिर इन सभी पॉइंट्स के बारे में सोचते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। अगर मैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो ये इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट हाई है तो आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर अपना प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। वहीं पे अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट लो है तो आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट बनवाकर अपनी ब्रांड बना सकते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात जिस पे आपको ध्यान देना है वो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग। देखिए जो पैकेजिंग होता है वही आपकी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो जो आपकी पैकेजिंग है वो एक प्रीमियम लुक देनी चाहिए। पैकेजिंग में आपको ये ध्यान देना है कि आपके पैकेजिंग के ऊपर करेक्ट बारकोड लगा हो, लाइसेंस नंबर लगा हो, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ हो। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। और अब आता है सबसे बड़ा स्टेप जिसको हम कहते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे होगी उस प्रोडक्ट की। देखिए सेल्स एंड मार्केटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसकी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ये बता देता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग की नीड क्या है। प्रोडक्ट तैयार होने के बाद सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं कि आप उसको लेकर जाते हैं मार्केट के अंदर कि ताकि हम उसकी सेल्स कर पाए, बट यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाती है। सबसे पहले आपको उसकी मार्केटिंग एंड ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर काम करना है। अगर आपकी ब्रांड ही नहीं बनी हुई है तो आपका कोई प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। सो सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के ऊपर ध्यान देना है, थोड़ी सी ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर काम करना है। आप डिजिटली आप सोशल मीडिया के ऊपर अपना ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। जैसे आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाइए, एक फेसबुक पेज बनाइए ब्रांड का,
आप इंस्टाग्राम पेज बनाइए, वहां पे अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कीजिए। थोड़ा सा ब्रांड अवेयरनेस होने के बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप्रोच कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फिर आप वहां पे एक डील क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर कन्विंस हो जाता है, वो अगर आपकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए रेडी है, तो आप उसके साथ एक MOU साइन करिए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करिए, जिसमें आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन होंगी। MOU साइन करने के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे देंगे और आपका प्रोडक्ट मार्केट में निकल जाएगा। अगर डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो आप हमारी टीम की सहायता ले सकते हैं। आप हमारे बोल्डलाइन नंबर पर कॉल करिए, हमारी टीम आपकी सहायता करेगी डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करने में। इसके अलावा आप अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, जहां पे आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ई-कॉमर्स पोर्टल के ऊपर लिस्टिंग करा सकते हैं, जैसे कि Amazon हो गया, Flipkart, Meesho, इन सभी पोर्टल पर लिस्टिंग कराकर आप अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। आई बिलीव इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक समझ आ गई होगी, एक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि किस तरीके से आप एक प्रोडक्ट बेस्ड ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं और उसकी सेल्स कर सकते हैं। फिर भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी सहायता करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और लोगों तक पहुंच पाए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मयंक तिवारी फॉर यू, थैंक यू वेरी मच।